मैं सुधाकर सोनोने आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपसे अपील भी करना चाहता हूं। जैसे कि हमने देखा है, 2 साल का कोरोना काल चला गया और उसके बाद पहली बार हम ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। आज ना तो हमारे देश में कोई ब्रिटिश है, ना कोई ब्रिटिश के ज़माने की स्थिति है, क्योंकि ये जो उत्सव है ये धार्मिक उत्सव रास्ते पे इसीलिए लाया गया था क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कुछ ना कुछ कारण मिले और लोकमान्य तिलक ने इस प्रकार से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आज ये जो धार्मिक उत्सव है, गणेश जी तो विद्या की देवता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 साल से शिक्षा का जो बैकलॉग भरा हुआ नहीं है, बच्चे हमारे गुमसुमा हो गए हैं कि क्या होगा हमारे भविष्य का। अगर हम देख ले कि ये पूरा बैकलॉग, अगर हम 4-4 घंटा ज़्यादा स्कूल चला के, छुट्टियों में स्कूल चला के, अगर हम इस चीज़ को पूरा कर सके, तब जाके तो हम नमन करते हैं गणेश जी को, बुद्धि के देवता को, ऐसा महसूस होगा। अंतिम में मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि गणेश जी विद्या की देवता है और विद्या से ही तो आदमी का विकास होता है। हमने देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर जो राज्य है उनका विकास हम देख रहे हैं, तो हम कहाँ पर है। इसलिए हमने हमारा घोष वाक्य बनाया है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि तक। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी पैसा हम ये सारे दिखावे में लगा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षा पे लगा दे तो हमारा भारत सक्षम भारत, और कहते कि विश्वगुरु भारत बनने में कामयाब होगा। हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो जो सुन रहा है, अगर हमारी बात समझ पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ आके देखिए, निश्चित रूप से ये परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर जाता दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको इसी के साथ गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपील करता हूँ कि आप भी इस पे अमल करें।